नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर डियर बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2023 को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है कि यूपी टेट दो का जो एग्जाम है उस पर संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा अगर आप यूपी टेट का वेट कर रहे हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे डियर बता दें डियर जो यूपी टेट का एग्जाम होना था वो पिछले सत्र वाला भी नहीं हो पाया दो में केवल एक बार यूपीटेट का आयोजन हुआ था और 2022 का जो यूपी टेट था वो भी अभी तक नहीं हो पाया ना ही इसके नोटिफिकेशन हुए जारी हुए ना कुछ हुआ बता दे डियर क्योंकि जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन है वो उसके आने के आसार काफ़ी कम हो गए हैं कई रीजन हैं अगर बात करें इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रीज़न वो ये फंस रहा है कि कुछ राज्य हैं जिन्होंने ये परामर्श किया है कि जो सीटेट का आयोजन प्रतिवर्ष होता ही रहता है पहले ये साल में दो बार सी होता था लेकिन पिछले कोरोना कोविड की वजह से अब ये मात्र एक ही साल में मात्र एक ही बार इसका आयोजन किया जाता है तो जब सी ऑलरेडी हर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होता है वैलिड किया जाता है तो फिर प्रदेश में पात्रता परीक्षा करवाने की क्या जरूरत है कुछ राज्यों ने इसका सवाल किया है और इसमें अगर बात करें बिहार राज्य की तो बिहार राज्य ने अपने यहाँ बिहार पात्रता जो टेट परीक्षा होती थी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और अपने यहाँ उन्होंने सी के जो क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उन्हीं को जो है शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल कर लिया है इस तरीके से कई राज्यों में ये मांग जो है लगातार जारी है कि हम अपने यहाँ जो पात्रता परीक्षाएं हैं उसको नहीं कराएंगे बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो देखिए यहाँ पर एक मैटर अभी बी एड वर्सेज का चल रहा है जिसके वजह से बी छात्रों के जो टेट के प्रमाण पत्र हैं दो वाले वही नहीं मिल पाए हैं तो योगी सरकार कतई ये नहीं चाहती है कि हम नए टेट का आयोजन करा लें और फिर वो कोई विवाद के घेरे में आ जाए पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये होता है डियर जब आप कोई पात्रता परीक्षा करवाते हैं एग्जाम करवाते हैं टेट होता है तो उसके लिए कई कई लाख करोड़ जो है निधि जो है राजस्व का खर्चा होता है हालांकि कुछ छात्र ये भी कहेंगे कि फॉर्म फिल कराने में उनकी जो पैसा है वो आवेदन शुल्क के रूप में इसी के लिए लिया जाता है बिल्कुल सही है लेकिन जो राजस्व है उसको अलग से जो है तुरंत जो है बजट के रूप में अलाउ करना और फिर पूरी तरीके से पूरी व्यवस्थाएं चक चौबंद करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का विषय होता है डियर ये तो अगर आपने सी पास करके बैठे हैं तो बिल्कुल सही है आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेकिन जो साथी सिर्फ यूपी के भरोसे बैठे

वो जैसे ही उन्हें अब अगला मौका सीटेट में मिलेगा तुरंत अपना फॉर्म फिल कर दीजिए क्या पता कौन सी सरकार किस प्रदेश के द्वारा कौन सा नया रूल लाल दिया जाए मान लीजिए बिहार की तर्ज में उत्तर प्रदेश में भी यू टेट का जो नोपी नोटिफिकेशन है वो ना आए और यू टेट का एग्जाम ना हो तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है डियर इसलिए आप सी का जो एग्ज़ाम है उसको अवश्य जो है बिल्कुल भली भांति रूप से उसका फॉर्म फिल करके जरूर पास कर लीजिए वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो पूरे देश के विभिन्न प्रदेश के कोनों कोनों तक उसकी वैलिडिटी होती है डियर अब अगर देखिए यूपी टे दो हजार तेईस का अगर नोटिफिकेशन आना भी होगा तो उसके लिए भी कई दरवाजे बंद हैं पहला बीएड वर्सेस बीएफटीसी का मुद्दा जब सॉल्व होगा और जो पिछले प्रमाण पत्र हैं यूपी बीएड साथियों की वो जब निर्गत हो जाएंगे और ऐसी कोई व्यवस्था नजर आएगी कि योगी सरकार को तभी नए सिरे से नोटिफिकेशन आ सकता है वरना अभी जो विगत अंदरूनी जानकारी निकल कर यही आ पा रही है कि टेट के नोटिफिकेशन को लेकर के कि किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेस जो है वो नहीं चल पा रहा है उसके पीछे और दो रीजन बताए जा रहे हैं जैसे कि नए आयोग के गठन की बात की जा रही है नया जो बेसिक का नया आयोग गठन किया जाएगा उसी के माध्यम से टेट और सुपर टेट की जो भर्तियां हैं वो भी करवाने की बातें चल रही हैं तो यूपी टेट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो अभी आपको इंतजार करना होगा और कुछ समय का देखते हैं यूपी टेट दो वाला नोटिफिकेशन कब तक आता है लेकिन सीटेट में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो तुरंत उसको पास करके इतमान से एक सीट के लिए आप अपनी तरीके से बैठ सकते हैं डियर उम्मीद करता हूं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे अभी भी कोई सवाल को कोई क्वारी रहेगा यह टेट से रिलेटेड कमेंट कर दीजिएगा थैंक यू